हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। समर सीज़न चल रहा है और समर में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेकअप करना, क्योंकि सेटिंग आती है, सेटिंग से मेकअप सारा निकल जाता है। तो चलिए मेकअप करना स्टार्ट करते थे। तो मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने अपनी जो आईब्रो है वो डिफाइन कर दिए हैं कंसीलर से। और आईब्रो डिफाइन करने के बाद हम अपना आई मेकअप चालू कर देंगे। एक मतलब हमको आईब्रो डिफाइन करना एक बहुत ज़रूरी स्टेप है हमारा मेकअप को लेके, क्योंकि जो हमारा आई बेस है तो उसके लिए कंसीलर आपको लाइट से लाइट ही रखना है और स्किन टोन का नहीं लेना है। क्योंकि स्किन टोन का ले लेंगे तो हमारे जो कलर हैं वो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी निखरेंगे नहीं। तो अपना लाइटर ही शेड रखना है। तो मैंने कंसीलर लगा दिया है। कंसीलर लगाने के बाद मैंने इनर वी से आउटर कॉर्नर तक अपना कट क्रीज से लेके एक एरिया बना लिया था। एरिया बनाने के बाद फिर मैंने आउटर वी में रेड शेड लगा लिया है। और रेड शेड लगाने के बाद मैं ऑरेंज शेड को लेके इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद ये मतलब एक बहुत ही अच्छा शेड बन के आएगा। जो रैम्बो में बहुत सारे कलर मिक्स करके आ जाते हैं तो वही शेड आ जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये कलर। उसके बाद मैंने येलो ले लिया है, क्योंकि हल्दी का मेकअप है तो येलो हमको चाहिए ही चाहिए। तो मैंने येलो शेड ले लिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। एक मतलब पंखुड़ी होते हैं ना, वैसा लग रहा है जैसे कि गुलाब की, तो वैसा शेड आ गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अच्छे से ब्लेंड करना है, फैदर टच के साथ ब्लेंड करना है, क्योंकि आईज हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं तो काम बहुत ध्यान से करना है हमको। तो फिर इसके बाद मैंने आईलाइनर लगा दिया था। आईलाइनर लगाने के बाद मैंने आईलैशेस लगा दी थी। और आईलैशेस लगाने के बाद ऑलमोस्ट हमारा मेकअप, आई मेकअप डन हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना फेस का मेकअप करना चालू कर दिया था। तो मैंने अपनी स्किन टोन मैच करके, स्किन करेक्ट करके अपनी क्लाइंट के फेस पर अप्लाई कर दिया था। तो ये मेरी स्किन करेक्ट हो गई थी। करेक्ट करने के बाद मैं इस पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है तो आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आपका मेकअप कहीं से कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप एक बहुत अच्छे मेकअप को ब्लेंड करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही सेटल बनेगा और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। फिर उसके बाद मैंने कंसीलर ले लिया था लाइटर शेड, और उसको अच्छे से अपनी स्किन को थोड़ा लाइटर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने स्किन को करेक्ट किया था। तो अब मैं अपनी स्किन टोन के शेड में जाने के लिए अपना कंसीलर का हेल्प लूँगी। तो कंसीलर मैंने लगा दिया था। कंसीलर लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन लगाना। तो फाउंडेशन भी मैं अपने स्किन टोन का ही लूँगी, क्योंकि मेरे को वो मेकअप नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कर देते हैं लोग और बहुत पता नहीं क्या ही होता है वो मेकअप। तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप, मतलब ऐसा लगेगा कि मेकअप लगा भी है या नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लाइंट की स्किन टोन का मेकअप किया है मैंने, और बिल्कुल भी भद्दा नहीं लग रहा है और बिल्कुल बेकार नहीं लग रहा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है लुक, और लग भी नहीं रहा है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई भी हैं और लगाई भी थी। तो बहुत ही मतलब जो मेकअप है अच्छा बन के आया है। तो उसके बाद हमको अपनी जो मेकअप था ना उसको अच्छे से सेट करना है पाउडर से, और बहुत अच्छे से लॉक कर देना है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हमारा मेकअप इधर से उधर जा सकता है, तो हमको लॉक करना ही है। लॉक करने के बाद मैंने अपना आईलाइनर, मतलब जो काजल था, वाइट काजल लगा दिया। वाइट काजल लगाने के बाद मैंने अपनी ज्वेलरी बना दी थी। ज्वेलरी बनाने के बाद उसका मतलब कि एक वो था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ दी, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। खुश होने के बाद उसने देखा कि हाँ एक मतलब बहुत ही प्यारा लुक आया है मेरी हल्दी के लिए। तो मेरी क्लाइंट तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई थी मेरे मेकअप से। तो फिर उसके बाद मैंने ब्राउज़र लगा दिया था।
ब्लशर लगा दिया था और कंटूर कर दिया था, फिर उसके बाद लास्ट में हाईलाइट करने के बाद मैं थोड़ी सी वीडियो बनाना भूल गई, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई, तो मैंने लिपस्टिक की वीडियोस नहीं बना पाई। तो ये मेरा फाइनल लुक है और ये लुक बहुत ही प्यारा आया है, आप देख सकते हैं मेरी मॉडल और फ्रंट में जो हमने स्टाइल फेस किया बहुत ही प्यारी लग रही है इस हाँ लुक के साथ आईज क्लोज और करो थोड़ी सी बहुत ही मज़ेदार।